Good morning, students. I'm well here and I hope same for you also. Stay home, stay safe, but at the same time, continue your studies. Just concentrate. You got a lot of time at your home. Utilize it while studying. Students, today we are here to discuss the top 5 questions of chapter number 5, that is separation of substances, that we finished last day whenever we discussed. Today we will discuss about the 5 questions that are the top 5 questions of this chapter, and I will also attach a worksheet along with this so that you could easily understand the topic. Just watch the video carefully throughout the end of the lecture so that you could get maximum benefit of this particular lecture. So let us start the first question, that is question number one. The question number one states that why do we need to separate different components of mixture of give 2 examples. The question is कि why do we need to separate different components of mixture या different constituents of mixture? Give 2 examples. Question ने हमसे ये पूछा है कि हमें किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की जरूरत क्यों? ये जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें उस मिक्सचर को प्योर बनाना रहता है. जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि स्टोन्स फ्रॉम द राइस, चावल से कंकड़ को अलग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो चावल हम कुक करें वो पूरी तरह से प्योर हो, उसमें कोई इम्प्यूरिटी ना हो, और इसी कारण से हम किसी भी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को अलग इसलिए करते हैं ताकि वो जो मिक्सचर है उसमें से प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन किया जा सके. हम क्या कहेंगे? वी नीड टू सेपरेट different components of mixture of mixture to make it a pure substance. I hope ये clear हो गया. किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि उसको प्योर सब्सटेंस बनाया जा सके. अब यहां क्या है कि गिव 2 एग्जांपल्स, हमसे 2 एग्जांपल्स पूछ रहे हैं कि भाई 2 एग्जांपल्स कौन कौन से हैं. तो हम कहेंगे क्या, एग्जांपल नंबर 1, सेपरेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस. ये हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल है नहीं, क्योंकि ये हाथ से किया जाता है. दूसरा, सेपरेटिंग इंप्यूरिटीज फ्रॉम पल्सेस, इंप्यूरिटीज फ्रॉम पल्सेस ये किसके थ्रू होता है? तो हमने पढ़ा था ये किसके थ्रू होगा, वॉशिंग के थ्रू होगा. मीन्स व्हाट, कि सबसे पहली बात ये थी कि हमें कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत क्यों है.
तो हम क्या कहेंगे, हमें कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत इसलिए है ताकि हम उसको प्योर बना सकें। दूसरी ओर अगर हम इसको प्योर बनाना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे क्या कि चावल से कंकड़ निकालना हाथ से, ये एक एग्जाम्पल है किसका, हैंड पिकिंग का। ये सेपरेट करने के लिए होता है ताकि चावल को प्योर बनाया जा सके। इसी तरह अगर हम पल्सेस को अलग करेंगे तो वो उसको धोने से अलग होता है, तो यहां पर वॉशिंग एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज विनोइंग एंड वेयर इज इट यूज्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि व्हाट इज विनोइंग, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। विनोइंग क्या है और ये कहां यूज होता है, बहुत सिंपल है बेटा। अगर हम इस विनोइंग की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्मॉल चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे भूसे के जो कण होते हैं उनको अनाज से अलग किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। और ये कब होता है, जब हवा चल रही होती है, ये हवा के प्रेजेंस में होता है। दूसरी बात ये कि वेयर इज इट यूज्ड, तो इट इज यूज्ड इन क्रॉप फील्ड एज वेल एज इट इज आल्सो यूज्ड इन हाउसेस। नहीं तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर चाफ पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर ग्रेन पार्टिकल्स बाय मूविंग एयर और विंड। मीन्स व्हाट, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लाइटर चाफ पार्टिकल को क्या करते हैं, अलग करते हैं हैवियर ग्रेन पार्टिकल से बाय मूविंग एयर और विंड। क्योंकि हवा चलती रहेगी तभी ऐसा होगा, अगर हवा नहीं चलेगी तो ऐसा नहीं होगा। और इट इज यूज्ड, सेकंड पार्ट जो है वेयर इट इज यूज्ड, तो इसके लिए हम कहेंगे क्या कि इट इज यूज्ड इन क्रॉप फील्ड इट इज आल्सो यूज्ड इन आवर हाउसेस। ये हमारे घर पर भी कई बार हम प्रयोग कर लेते हैं, जब क्रॉपफील्ड से आने के बाद भी प्यूरिफाइड नहीं रहता है तो हम उसको हवा के पास लेकर चले जाते हैं, जिससे लाइटर इम्प्यूरिटीज तो रिमूव हो जाती हैं और जो ग्रीन पार्टिकल रहता है वो हम स्टोर कर लेते हैं एक बास्केट में। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है हाउ विल यू सेपरेट, हाउ विल यू सेपरेट द लाइटर हैज पार्टिकल फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग इट।
हम क्या कहेंगे, हाउ विल यू सेपरेट द लाइटर हस पार्टिकल। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक पल्सेस का सैंपल दिया गया, एक दाल का सैंपल दिया गया, उसमें कुछ अशुद्धियां मौजूद हैं जो हल्की सी हैं, उनको आप कैसे अलग करोगे। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन के एग्जांपल में पढ़ा था कि पल्सेस से, दाल से इंप्यूरिटी को अलग करने का प्रोसेस कौन सा होता है, वॉशिंग। तो हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा कि वी विल सेपरेट द लाइटर हस पार्टिकल फ्रॉम द सैंपल ऑफ पल्सेस बाय वॉशिंग। हमारा आंसर क्या है, केवल बाय वॉशिंग। वॉशिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सैंपल ऑफ पल्सेस से लाइटर हस्ट पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर हम सैंपल ऑफ पल्सेस से लाइटर हस्ट पार्टिकल को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ये वॉशिंग का प्रोसेस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अगर हम देखें तो वो कहता है क्या कि व्हाट इज सीविंग एंड वेयर इज इट यूज्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। पहले सीविंग को समझना जरूरी है। सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं, केवल फाइन पार्टिकल्स जो है वो यूज में रहता है, बाकी जो इंप्यूरिटीज रहती हैं, जो स्टोन्स रहती हैं, वो ऊपर ही रह जाती हैं। इसको हम छानना कहते हैं हिंदी में। सीविंग एक ऐसा प्रोसेस जिससे फाइन पार्टिकल्स को स्मॉल स्टोन पार्टिकल से अलग किया जाता है। मीन्स व्हाट, कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉलर स्टोन्स फ्रॉम द फाइन पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ सीव। सीव मतलब छन्नी। इज कॉल्ड सीविंग। अब यहां पर कैसे फाइन पार्टिकल्स और स्टोन वाली बात होगी। एग्जाम्पल, इट इज यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम सैंड। दूसरा, इट इज यूज टू सेपरेट स्टोन्स या स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम फ्लोर। आटे से भी अलग करने में काम आता है चीजों को, और जो सैंड रेत जो आता है उसमें से जो छोटे छोटे कण होते हैं स्टोन्स के, उनको भी अलग करने में, ताकि सैंड को प्योर बनाया जा सके, ये काम आता है। आई होप इट इज क्लियर। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं कि ये यूज कहां पर होता है। तो हम क्या कहेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, इट इज यूज बाय लेबरर्स, क्योंकि सैंड को अगर सेपरेट करना है तो लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, इट इज यूज्ड इन किचन आल्सो, आटे को छानने के लिए फ्लोर मिल, आटा चक्की पर भी ये काम आएगा, इटीसी।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल स्टोन्स को या तो सैंड से अलग करते हैं या तो स्मॉल स्टोन्स को हम फ्लोर से अलग करते हैं यूजिंग अ सीव, छन्नी की मदद से। ये लेवरर्स के द्वारा यूज होता है कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में, और साथ ही ये फ्लोर मिल और किचन में भी यूज होता है ताकि आटे को प्योर बनाया जा सके। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का वो है क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड एंड वाटर को उसके मिक्सचर से हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा कि सैंड क्या है? रेत और पानी। तो पानी से रेत कैसे अलग करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हमें सबसे पहले उसको नीचे स्थिर करके रखना होगा। जैसे हम स्थिर करेंगे तो रेत जो है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर की ओर आ जाएगा, और पानी को हम अगर किसी कंटेनर में रख ले तो वो प्योर पानी नीचे चला जाएगा और सैंड जो है वो नीचे ही बैठा रह जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। मीन्स व्हाट कि जब हमने इसकी बात की कि सैंड को वाटर से हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि इस प्रोसेस का नाम सेडिमेंटेशन है, जिसमें रेत तो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर की ओर हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, वी कैन सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर by the process of sedimentation। followed by decantation and filtration। यहां पर सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन भी हो सकता है, या फिर हम डायरेक्ट फिल्ट्रेशन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर की मदद से सीधा ही क्या हो जाएगा, सैंड और वाटर अलग हो जाएगा। क्योंकि फिल्ट्रेशन के बारे में हमें पता है कि फिल्टर करना मतलब क्या होता है, चीजों को केवल प्योर वाटर को ऑब्टेन करना, बाकी जो अशुद्धियां हैं उनको रिमूव कर देने का प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो टॉप 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है, उसके बाद इस सीज को भी बहुत ध्यान से देखना है जो इसके साथ मैं अटैच करूंगा। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। आई होप आप उसी तरह इसको उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।